भी सुन रहे हैं कि अब 5 दिन हो गए ने आवाज़ा आ रही आवाम बता रही है बार बार कि हाथ रख रहे आवाज़ा आ रही आने बच्चे जिंदा है जिंदा है कि इसको तो कुछ भी ये फौत हुआ इसकी डेथ हो गई लोगों ने ऐसे तमाशा बनाया हुआ है जी वो उसका चाचा ही था मैं वहीं पे खड़ा था यार दुआ मांगने आता कह रहे कि इन पे शायद अजाब हो कोई ठीक है ना हो सक ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा यहाँ पे खड़े होने से क्या कब्र कुशाई हो सकती है क्या जो शरीयत कहती है ना उसका दोबारा जनाजा अगर वो हाँ। नहीं है तो वो दोबारा जनाजा उसका जो है ना वो पढ़ के उसे वापस दफना हाँ, दिया जाए ठीक है माँ को सुकून हो जाएगा हाँ। देखिए अब माँ को सुकून नहीं उसे इस वजह से नहीं निकाला जा रहा कि अगर वो जिंदा निकलता है तो इसमें डॉक्टर आ जाएंगे शामिल हो जाएंगे ठीक है और बंदे इसमें शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन यहाँ पे कुछ खातून मौजूद हैं जो कि आए हुए हैं देखने के लिए कि कैसे आवाज़ें आ रही हैं और इसके पीछे क्या मामलात हैं आइए इनसे जान लेते हैं कि इसमें कितनी एक हकीकत है। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा अम्मी जी मैंने दस्यो कि मामलात नो किस दिन इसकी डेथ हुई और आवाज़ा वाला सिस्टम ये सारी गल् किस तरह सामने आई जी असं भी सुन रहे हैं कि अब 5 दिन हो गए ने आवाज़ा आ रही आवाम बता रही है बार बार कि हाथ रख रहे आवाज़ा आ रही उसकी माँ भी बता रही है कि थलो आवाज़ा बहुत खड़ाक आ रहा ते लिहाजा भी ये मेहरबानी की जाए कुछ खबर खशाई की जाए जिस तरह दस्तक होंगी इस तरह की आवाज़ हाँ जी हाँ जी धड़कन आ रही है आवाज़ा आ रही ने ते मेहरबानी आ असं भी मावा वा देखो भी माँ आ साढ़े भी बच्चे ने ते जो करना उस सुनने अल्लाह की मर्जी है लेकिन ये आके कदा खबर खशाई की जाए बेटा अच्छा हाँ अच्छी नहीं हो। 5 दिन से यहाँ पे ऐसे ही मामला चल रहे हैं इस तरह चल रहे हैं इन्नी इतनी आवाम आ रही है इतनी आवाम जा रही है ते ए आवाज़ा आ रही हैं जी आवाम थले लै रही है कि चलो कब्र खचाई हो जाए ठीक है जे जिंदा है तो सोने नू पता है कि जे जिंदा होएगा तो उन्होंने अल्लाह करे उन्हें ठंड पै जाए उन्होंने माँ दे बच्चे छोटे छोटे रहे तो जे अगर नहीं तो फिर ओदा फिर जनाजा किया जाएगा कोई ऐसा मसला नहीं बैठा असं भी बैठे कि इसको तो कुछ भी ये फौत हुआ इसकी डेथ हो गई लोगों ने ऐसे तमाशा बनाया हुआ है जी वो उसका चाचा ही था मैं वहीं पे खड़ा था यार बात की है कि मैं उसका चाचा हूँ वो दुआ मांगने आता कह रहे कि इन पे शायद अजाब हो कोई ठीक है ना हो सक ये भी तो हो सकता है ना अब बेवजह इसको कैसे आप लोग निकाल सकते हो पहले मुझे ये बताओ आपके पास कब्र का अजाब होता है ना वो बाहर जाहिर नहीं होता वो कब्र का अजाब कब्र में रहता है यार एक दिन होता है दो दिन होता है कब्र की आवाज़ें इतनी देर नहीं आती ठीक है आपने सुनी है ये मैंने खुद क्या सुनी है आपने थमक महसूस होती है कब्र का अजाब जिस कब्र पे आप हाथ रखो कि उससे भी थोड़ी बहुत चलो मेरे साथ आए भूख प्यास सारी चीजें देखी जाए तो वो जिंदा नहीं होती नहीं हो सकता नहीं हो सकता एक से एक घंटा भी नहीं हो सकता दो भी नहीं हो सकता ठीक है अल्लाह का अल्लाह पाक दा मौजदा है शायद अल्लाह बेहतर कर दे आने बच्च जिंदा है बच्चा जिंदा है आज 5 दिन हो गए ते बच्च जिंदा है कुशाई की जाए जो शरीयत कहती है ना उसका दोबारा जनाजा अगर वो नहीं है तो वो दोबारा जनाजा उसका जो है ना वो पढ़ के उसे वापस दफना दिया जाए ठीक है माँ को सुकून हो जाएगा देखिए अब माँ को सुकून नहीं उसे इस वजह से नहीं निकाला जा रहा कि अगर वो जिंदा निकलता है तो इसमें डॉक्टर आ जाएंगे शामिल हो जाएंगे ठीक है और बंदे इसमें शामिल हो जाएंगे ठीक है अगर एक माँ के दिल को सुकून नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है ठीक है तो शरीयत के मुताबिक इसे दोबारा देखा जाए देख के तो इस पर जी अपना जनाजा पढ़ के फिर दोबारा अगर वो जिंदा है तो उसकी जान बच जाएगी एक इंसान को बचाना है पूरी इंसानियत को बचाने के ठीक है अच्छा। तो अगर ये अब खोदने नहीं दे रहे इस पे अब पता नहीं किस वजह से बैन लगा दिया गया है अब वो मैं उधर गया हूँ तो पुलिस वाले वहाँ पे पास खड़े हैं वो कह रहे हैं जी नहीं आगे नहीं जाना क्यों भाई आगे देखे ना 500 लोग अगर उस कब्र को बार बार जाके थप्पी लगाएंगे बार बार कहेंगे शबीर शबीर ये हाँ लेकिन एक माँ के दिल को तो सुकून मिलना चाहिए ना एक माँ के दिल को तो सुकून मिलना चाहिए अगर वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा जिंदा है कब्रस्तान में अब ये अपनी अपनी जी पंचायतें लगा के बैठ गए हैं ठीक है अगर इनके अल्लाह ना करे कोई इनका ही ऐसा होता तो फिर तो ये कोई चीज नहीं ये सिर्फ गरीब बंदे के लिए ना ये कानून बनाए गए हैं ये कानून बनाए गए हैं गरीब बंदे के लिए ठीक है हाँ
तो ये अपना वो बहुत बहुत गरीब से आता है, देखें अगर कोई खदशा है ठीक है, अगर कोई उन्हें कुछ लग रहा है तो वो अपना देखें, दोबारा जनाजा करवा के दोबारा कर दें, अगर वो जिंदा है तो वो फिर उसकी जान बच जाएगी ना। जी तो नाज़रीन, यहाँ तक जितने भी मामले देखे जा रहे हैं इसके पीछे एक ही वजह है, जब तक कब्र कुशाई नहीं होगी मेरे साथ, मैं यकीन के साथ नहीं आपको कह सकता कि वो जिंदा हैं या वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। देखते रहिए जानिए पाकिस्तान, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।